Hi everyone, welcome and welcome back to the channel. I am Amit. I am a UPSC aspirant preparing for 2024. So as you have seen earlier कि अभी सुबह के 2 बज रहे हैं और आज रक्षाबंधन भी है. So आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई. और मुझे अभी जो है ना अभी अपने घर भी जाना है रक्षाबंधन के लिए. So जल्दी से अपना क्लास वास कंप्लीट करते हैं. मॉर्निंग में चलेंगे 5-6 बजे के करीब. जल्दी से अपना क्लास कंप्लीट करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे जल्दी से. सबसे पहले अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्लॉट में जो हमारा होने वाला है वो हमारा इंडियन सोसाइटी होगा. इसमें हमें जो पढ़ना है अभी हम लोगों को अभी रिज़र्वेशन के बारे में पढ़ना है कि रिज़र्वेशन एससी एसटी और वुमेन को क्यों दिया जाता है और देना क्यों इम्पोर्टेंट है. बहुत लोगों को लगता है कि रिज़र्वेशन बिल्कुल भी सही नहीं है और बहुत लोगों को लगता है कि नहीं रिज़र्वेशन देना सही भी है. तो वही चीज़ें अभी मुझे पढ़ना था. मैं वही अभी पढ़ रहा था कि रिज़र्वेशन देना क्यों ज़रूरी है, क्यों जो हमारे नीचे तबके के जैसे एससी एसटी के लोग हैं उनको ऊपर लाना क्यों ज़रूरी है, उनको समाज में इक्वल करना क्यों ज़रूरी है, इसीलिए रिज़र्वेशन दिया जाता है. तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहा था. बहुत लोगों को लगता है कि रिज़र्वेशन सही नहीं है, बट मुझे जो ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आप उसके बारे में पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी. तो आई होप कि आप लोग बुक पढ़ो. आई सजेस्ट कि आप लोग बुक पढ़ो और ये टॉपिक पढ़ो, जो चीज़ें आपकी बहुत क्लियर होंगी. जैसे मुझे हुआ, मैं भी इससे पहले रिज़र्वेशन के खिलाफ ही था, बट अभी जब मैंने पढ़ा तो थोड़ा सा लगा कि नहीं रिज़र्वेशन देना बहुत ज़रूरी है उन लोगों को. ऐसा मेरा पर्सनल मानना है. इसीलिए तो गवर्नमेंट रिज़र्वेशन देती है एससी एसटी वालों को. और गवर्नमेंट के साथ साथ जितने भी ब्यूरोक्रेट वहाँ बैठे रहते हैं वो ऐसे ही रिज़र्वेशन देने के लिए रेडी नहीं रहते हैं. कुछ ना कुछ रीज़न है, इसकी वजह से वो लोग रिज़र्वेशन देते हैं. आई होप कि आप लोग पढ़ो और आपको और अच्छे से क्लियर हो. और ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि चीज़ें बहुत सारी इसमें समझ भी में नहीं आती है. बहुत अलग अलग व्यूज़ होते हैं लोगों के. तो ये तो मेरा व्यूज़ था और जो मैंने पढ़ा था अपने नॉलेज के हिसाब से. आई होप कि आप लोग भी अपना पढ़ो और अपना अपना व्यूज़ दो इस पर. अगर आपको कुछ भी लगता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए. तो ये मेरा फर्स्ट लॉट हो रहा था इंडियन सोसाइटी का, जिसमें मैं रिज़र्वेशन के बारे में पढ़ रहा था. सो इसको जल्दी से अपना अभी कम्प्लीट करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लॉट. तो मेरा फर्स्ट लॉट यहाँ पे ख़त्म हो चुका था इंडियन सोसाइटी का. तो आई होप कि मैंने जो आपको बताया है वो सारी चीज़ें आप लोग जाके जरूर पढ़ोगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में दोगे कि आपको क्या लगता है रिज़र्वेशन देना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है. तो मेरा फर्स्ट सेशन कम्प्लीट होने के बाद जब मैं बाहर आके देखा रूम से, क्योंकि 1.5-2 घंटे के बाद बैठने के बाद इंसान बहुत थक जाता है, मैंने देखा कि अभी तक अंधेरा ही हो रहा था. तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी चाय बनाते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट आज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं ज़्यादा रेस्ट करके, क्योंकि जल्दी से अपना पढ़ाई कंप्लीट करके घर भी जाना है रक्षाबंधन के लिए. जल्दी से चाय वाय पीते हैं, उसके बाद जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ. नेक्स्ट सेशन में मुझे जो करना है वो मुझे रिविज़न करना था, ज़्यादा नहीं. लास्ट जो मेरा क्लास था ना वो उसका रिविज़न करना था, साइंस एंड टेक का, जो आई थिंक अप्रॉक्स 30 मिनट में मेरा कंप्लीट हो जाएगा. तो जल्दी से अपना ये रिविज़न का जो सेक्शन है वो जल्दी से कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर साइंस एंड टेक का जो मेरा क्लास है ना उसको कंप्लीट करेंगे. तो मेरा यहाँ पे रिवीजन कंप्लीट हो चुका है. रिवीजन कंप्लीट होने के बाद मैंने अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर दिया जो था साइंस एंड टेक का, जो मुझे क्लास करना था. मुझे नहीं लगता है कि मेरा दो घंटे का क्लास है वो फुल्ली कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि घर से मेरे कॉल आ चुका है कि कहाँ हो, कब तक आओगे. तो जल्दी से इसको आधा एक घंटा जितना लगे उसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, जितना देर ही हो पाए. मैं क्लास ऐसे छोड़ नहीं सकता, लेकिन जितना कंप्लीट हो पाएगा उतना कंप्लीट करके ही जाऊँगा. तो जल्दी से क्लास को, इसको थोड़ा जितना हो पाएगा उतना कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर जल्दी से रेडी वेडी होके फिर चलते हैं घर. जब मैं
क्लास कर रहा था तो घर से बार बार कॉल आ रहा था, तो मैंने टाइम देखा तो सुबह के 5 बज चुके थे, तो अप्रोक्स 1 घंटा क्लास मैं कर पाया। तो वहाँ कम क्लास को छोड़ने के बाद मैं जल्दी से चला ब्रश व्रश करने और नहाने वाने, क्योंकि बार बार घर से कॉल आ रहा था कि कब आओगे जल्दी आओ। तो मैंने सोचा कि ठीक है अभी छोड़ देते हैं। तो जल्दी से रेडी वेडी होने के बाद मैंने अपना बुक्स कुछ रखा, क्योंकि मैंने सोचा कि घर जा रहे हैं, अगर टाइम मिला तो सब लोगों से अगर टाइम मिला तो ज़रूर थोड़ा सा तो पढ़ ही लेंगे। सो जल्दी से अपना बुक रखते हैं और बैग वैग पैक करते हैं, उसके बाद फिर जल्दी से चलते हैं। सो मैं रेडी वेडी होकर घर के लिए निकल चुका था, क्योंकि घर जाने में मुझे अप्रॉक्स 30-45 मिनट्स लगेंगे, थोड़ा सा दूर है जाना है मुझे बाइक से, लेकिन फिर भी 30-45 मिनट्स तो लगते ही लगते हैं। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक स्टे मोटिवेटेड और पढ़ते रहिए, और पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए कोई भी फेस्टिवल हो। ओके बाय, थैंक यू सो मच।